हेलो स्टूडेंट्स, कैट कैम इंफिनिटी में आपका स्वागत है। सॉलिड वर्क्स एकेडमिक लेवल ट्रेनिंग का आज हमारा 12th क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं वो तो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। प्रीवियस क्लास में जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था वो तो थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम थे। आज का जो हमारा प्रॉब्लम होगा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इसमें हम लोग एक्सट्रूड टूल का तो यूज़ करेंगे ही और एक्सट्रूड कट का भी टूल का हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग मटेरियल ऐड करते हैं और मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, ये जो हमारा प्रोफाइल है, ये जो व्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और यहाँ पे कुछ इसके प्रोजेक्शन जो है वो डिफाइंड किए हुए हैं। ये हमारा फ्रंट का व्यू हो गया, ये इसका टॉप का व्यू है और ये साइड व्यू है। तो सारे तीनों व्यू को हम लोग यूज करेंगे और जो भी डायमेंशन दिया हुआ है उस डायमेंशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करके इस प्रोफाइल को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट जो भी हम लोग प्रोफाइल देखेंगे उसमें जो हमारा प्रोफाइल होगा कुछ ऐसा ही इसी बेस्ड होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू गिवन होगा और जो भी डायमेंशन है वो डायमेंशन यहाँ पे गिवन होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रोफाइल है सबसे पहले मैं ये एक बेस को तैयार कर लेता हूँ। वो कैसे, तो देखिएगा मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे जाकर मैंने एक सर्कल को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, देखिएगा। और मैं एक सर्कल और डिफाइन करता हूँ ताकि मैं क्या करूँ, ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो, ये पोल डिफाइन हो जाए, अदरवाइज मुझे फिर से क्या करना होगा, मटेरियल कट करके उसे डिफाइन करना होगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो डायमेंशन गिवन है, ये इंटरनल होल का और ये आउटर सर्कल का, वो कहाँ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा ये जो हमारा फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू यहाँ पे देखिएगा वो गिवन है। ये साइड व्यू में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो इसका डायमीटर है, ये डायमीटर आपका 50 हो गया और यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये टॉप व्यू से भी ये 50 इसका आउटर डायमीटर है और 30 जो है ये इसका इनर डायमीटर है और ये जो 50 दिया हुआ है ये इस प्रोफाइल का, ये इसका आउटर डायमीटर यहाँ पे 50 डिफाइन किया हुआ है। तो अब देखिएगा 30 और 50, यहाँ मैंने 30 पुट कर दिया और यहाँ मैंने 50 पुट कर दिया और इसको एक्सट्रूड कर देंगे, देखिएगा इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ये टोटल लेंथ जो है वो कितना गिवन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 150 का, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 150, देखिएगा यहाँ 150 को मैंने पुट कर दिया। और अब देखिएगा मैंने ये बेस को तैयार कर लिया और जैसा मेरा ओरिएंटेशन था वो मैंने डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, तो इस प्रोफाइल को मुझे ड्रॉ करना है। तो इस प्रोफाइल को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखिएगा इसके मिड पॉइंट से यहाँ का जो लेंथ है, ये स्टार्ट पॉइंट का यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये गिवन है आपका 100। तो मैंने क्या किया, रेफरेंस ज्योमेट्री में मैं प्लेन पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जो हमारा ये एरो दिया हुआ है पार्ट 4 का, मैंने यहाँ पे राइट प्लेन के रिस्पेक्ट में 100 डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे एक प्लेन को डिफाइन कर लिया। ये हमारा प्लेन 1 यहाँ पे आपका डिफाइन हो चुका है। अब इस प्लेन पे हम लोग क्या करेंगे, स्केचिंग। इस प्लेन पे हमें क्या करना है, स्केच करना है। उससे पहले मैं जो प्रीवियस जो हमने ये सिलेंडर बनाया है, पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसे मैं मॉडिफाई कर लूँगा। मैं इसे मॉडिफाई क्या करूँगा, तो इसे मैं मिड प्लेन से इसको डिफाइन कर दिया ताकि कुछ सेंटर पॉइंट का कुछ एडवांटेज हमें मिल सके। अब मैं इस प्लेन पे स्केचिंग करना चाहता हूँ, तो या तो आप स्केच में जा करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्केच को सिलेक्ट करके आप इस प्लेन को डिफाइन कर सकते हो, या आप इस प्लेन को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे जो ये आइकन दिख रहा है स्केच का, यहाँ से आप स्केचिंग डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे मैंने मिड प्लेन किया तो ये देख रहे हो ना, ये जो हमारा ये
ओरिजिन है वो एग्जैक्ट इस मीड पे आके डिफाइन हो गया। ये हमारा एक एडवांटेज है कि मैं शाफ्ट के मीड से एक सर्कल को फिर से मैं डिफाइन कर दूंगा जो मुझे ड्रॉ करना था, और इसका जो डायमीटर ये 50 का। मैं अभी इंटरनल सर्कल को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मटेरियल कट करना है और मटेरियल थ्रू होल कट होते हुए इसे भी कट करेगा, इसलिए मैं अभी इसे ड्रॉ नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ फीचर्स में जा रहा हूँ और एक्सट्रूड पे जाऊँगा। अभी देखिएगा कि जो मेरा एक्सट्रूड हो रहा है ये हमारे इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अभी हमें करना है क्या है, जो डायरेक्शन है मुझे डायरेक्शन को रिवर्स करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये एरो दिया हुआ है रिवर्स डायरेक्शन का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए रिवर्स करने के बाद इस एरो जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा एक फीचर्स है अप टू नेक्स्ट का, अप टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल जो है हमारा आ करके यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और मैंने फिर कर दिया ओके। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा प्रोफाइल है जो हमें चाहिए था यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, जो हमारा ये प्रोफाइल दिया हुआ है इसको, और इसको हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद जो भी मटेरियल कट करना हो उसके बाद हम लोग मटेरियल को कट करेंगे। यहाँ देखिएगा ये जो मेरा प्रोफाइल जो ये बना हुआ है इसमें सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से जो डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है 20 का, यहाँ से 20 डिस्टेंस पे इस प्रोफाइल को ड्रॉ करना है हमें। तो फिर से हम लोग सेम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और जो ये हमारा ये प्लेन है इस प्लेन को मैंने अभी हाइड कर लिया, और मैं रेफरेंस ज्योमेट्री में जा करके प्लेन में जा रहा हूँ, और इस सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे डिस्टेंस को मैंने 10 डिफाइन कर दिया। बट ये डिस्टेंस क्या होगा, फ्लिप, जैसे मैंने फ्लिप किया जिस पोजीशन पे हमें चाहिए था उस पर ये डिफाइन हो गया, तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। आप चाहे तो इस प्लेन को क्या कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो इस प्लेन के साइज को। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा क्या करना, जूम करना, तो आप सिंपली ये जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है इस पॉइंट को यूज़ करके आप इसको क्या कर सकते हो, इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो। इससे थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है कि आप कैसे प्रोफाइल को ड्रॉ कर रहे हो। अगेन सेम रिपीट को मैं फिर से रिपीट करूंगा। मैं स्केच पे जा करके, मैंने स्केच पे गया और इस प्लेन को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिएगा मुझे ये प्रोफाइल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे स्केच पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैं नॉर्मल टू कर दिया, जिससे क्या हुआ ये जो ओरिएंटेशन चाहिए था मैंने उस ओरिएंटेशन को अचीव कर लिया, और यहाँ पे सेंटर लाइन पे जा करके एक सेंटर लाइन मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, और एक सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो 45 का है। तो यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज़ करके मैंने यहाँ पे एंगल डिफाइन कर दिया 45 का, पहले जो मेरे काम था मैंने यहाँ तक डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा अब ये जो प्रोफाइल है, तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट एंटिटीज में जा करके ये जो आउटर एज है उसको मैंने प्रोजेक्ट कर लिया। जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, देखिएगा आप उस प्लेन पे जा करके वो डिफाइन हो चुका है। अगेन मैं नॉर्मल कर दे रहा हूँ। ये कन्वर्ट एंटिटीज क्या करते हैं, किसी भी प्रोफाइल के इसको किसी प्लेन पे अगर डिफाइन करना हो या पार्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे उसे प्रोजेक्ट करना हो तो आप कर सकते हो। तो मैंने ये एज को, जो आउटर सर्कल का एज था, मैंने उसको प्रोजेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे ये एक स्ट्रेट स्लॉट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे सिंपली मैं स्ट्रेट स्लॉट में जा करके और इस पॉइंट मैंने एक स्ट्रेट स्लॉट डिफाइन कर लिया, और जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का जो गिवन था ये 50 मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब देखिएगा ये जो स्ट्रेट स्लॉट का आर्क का रेडियस है ये 3.5 समथिंग डिफाइन किया हुआ है, मैंने 3.5 रेडियस डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे देखिएगा इस सर्कल के सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 का है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 100 डिफाइन कर दिया।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे एक आर्क को ड्रॉ करना है और इस आर्क से इस सर्कल को क्या करना है, टेंजेंट कर देना है। तो सिंपली हम लोग सेंटर पॉइंट आर्क में जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक आर्क डिफाइन कर लिया और इस आर्क का जो रेडियस है वो 8 दिया हुआ है, तो इसको 8 डिफाइन कर दो। और लाइन में जाकर के मैंने यहाँ पे इस आर्क को दिया, जैसे मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है। अगर रिलेशन डिफाइन हुआ कोई नहीं, इट्स ओके, मैं इसको डिफाइन कर देंगे टेंजेंट का। और यहाँ पे इसको मैं टच कर दिया, अब मैं चेक करूँगा कि टेंजेंट है कि नहीं, तो ये दोनों पॉइंट पे टेंजेंट नहीं है, तो पहले इस सर्कल सॉरी लाइन और इस सर्कल को सिलेक्ट करके यहाँ पे टेंजेंट डिफाइन कर देंगे। सेम प्रोसीजर को फिर से रिपीट करेंगे, लाइन और आर्क को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ भी मैंने उसको टेंजेंट डिफाइन कर दिया। और एक्स्ट्रा जो भी प्रोफाइल है उसे मैं ट्रिम करके रिमूव कर लूँगा, हटा लूँगा ये यहाँ पे। और देखिएगा इस डायरेक्शन में मैंने इसे रिमूव कर लिया और इसे भी रिमूव कर लिया। इस पोर्शन को इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे। यहाँ मिरर एंटिटीज में जा रहे हैं, इस आर्क को, इस लाइन को और इस आर्क को मिरर अबाउट दिस सेंटर लाइन, और मैंने कर दिया ओके। ये हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। जब प्रोफाइल कंप्लीट हो गया तो मैंने बताया था आप यहाँ से भी एग्जिट कर सकते हो, या कीबोर्ड के डी प्रेस करोगे तो आइकन आपके कर्सर के पास आ जाएगा और यहाँ से भी क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और ये जो प्रोफाइल है इसका जो थिकनेस है वो आपको यहाँ पे गिवन है, जो थिकनेस यहाँ पे दिया हुआ है अराउंड 10 का दिखेगा यहाँ पे 10, तो यहाँ मैंने 10 डिफाइन कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में 10, कंप्लीट हो गया। इस प्लेन को मैं हाइड कर लेता हूँ, देखिएगा। अब मैं ये प्रोफाइल को ड्रॉ करने जा रहा हूँ, मैं इसे और ये दोनों, जब मैं ये प्रोफाइल और ये कंप्लीट हो जाएगा तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर दूंगा, उसे मिरर कर दूंगा ताकि मेरा टाइम क्या हो, सेव हो जाए, अदरवाइज दोनों को बनाने में काफ़ी टाइम टेकन है। इसमें हम लोग 3D मिरर का भी यूज़ करेंगे कि हम लोग 3D ऑब्जेक्ट को कैसे मिरर करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। अब मुझे ये प्रोफाइल को क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, इस प्रोफाइल को ड्रो करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिएगा ये हमारा राउंड सरफेस है और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा फ्लैट सरफेस होता है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग के लिए, लेकिन जो राउंड सरफेस होता है उस पर हम लोग स्केच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन प्लेन का कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है देखिएगा यहाँ पे आउटर दिया हुआ ये है 35 का, तो यहाँ पे मैं फिर से सेम कंसेप्ट को रिपीट करते हुए यहाँ पे मैं जाऊँगा रेफरेंस में प्लेन और इस एरो पे क्लिक कर दिए और किसके रिस्पेक्ट में, तो ये फ्रंट प्लेन के रिस्पेक्ट में, और जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आपका 35 का, देखिएगा 35 यहाँ पे, मैं इस ओरिएंटेशन को दिखाता हूँ, यहाँ से ये 35 देखिएगा यहाँ टॉप में दिया हुआ, यहाँ से ये 35 पे मैं प्लेन को डिफाइन कर रहा हूँ और इस प्रोफाइल को मैं ड्रॉ करके उसे एक्सट्रूड कर लूँगा। 35 पे मैंने ये डिफाइन कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्ट इस प्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ से स्केच कर सकते हो। अब यहाँ देखिएगा जो मेरा प्रोफाइल है जो मैं ड्रॉ करूँगा ये कुछ ऐसा है, तो आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो स्केच पे नॉर्मल करके इस ओरिएंटेशन में भी जा करके ड्रॉ कर सकते हो। इस ओरिएंटेशन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि इसमें जो भी डायमेंशन और प्रोफाइल है बहुत ही क्लियर हमें यहाँ पे दिख जाएगा, इसलिए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से स्ट्रेट स्लॉट का यूज़ करके ये प्रोफाइल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और उससे पहले मैं इसे प्रोजेक्ट कर लूँगा। तो कन्वर्ट एंटिटीज में जा करके मैंने इसे प्रोजेक्ट कर लिया और अगेन स्ट्रेट स्लॉट में जा करके फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और मैंने ये प्रोफाइल ड्रॉ कर लिया। अब डायमेंशन मैं यहाँ पे देखूंगा तो बोल रहा है क्या कि ये सर्कल के सेंटर से, ये आर्क आउटर आर्क और इनर सर्कल के सेंटर से ये जो इंड पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस है 22.5। तो यहाँ स्मार्ट डायमेंशन में मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ 22.5 का, और ये जो रेडियस जो है देखिएगा यहाँ पे रेडियस ना यहाँ पे डायमीटर दे दिया 25 का, तो आप डायरेक्ट इसे भी इसे डिफाइन कर सकते हो 25 करके, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया 25 का। और मैं यहाँ पे एक सर्कल दे रहा हूँ
और वो सर्कल जो है वो आपका 16 का, देखिए यहाँ पे गिवन है, जो टॉप से मैं ये देख रहा हूँ, टॉप से जब देखोगे आप ये 16 यहाँ पे गिवन है, और ये जो सर्कल है वो थ्रू होल नहीं है, इसलिए मैं अभी से ड्रॉ कर ले रहा हूँ ताकि मैं एक साथ दोनों प्रोफाइल को मैं डिफाइन कर लूँगा। तो यहाँ पे 16 का डायमीटर का मैंने ये सर्कल को भी ड्रॉ कर लिया, और जो एक्स्ट्रा प्रोफाइल है उसे मैं ट्रिम करके रिमूव कर लूँगा यहाँ पे, ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ से ये, और ये प्रोफाइल कुछ डायमेंशन, एक डायमेंशन 25 चलिए सही है, ओवरऑल हमारा सारा डिफाइन किया हुआ है 25। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, और सेम मैं यहाँ पे एक्सट्रूड में जा रहा हूँ, डायरेक्शन रिवर्स, और देखिएगा मैं कहाँ तक इसे एक्सट्रूड करूँगा, तो देखिएगा आप जैसे मैं अप टू नेक्स्ट पे जाकर के जहाँ तक मुझे ये प्रोफाइल को एक्सट्रूड करना हो वहाँ तक जा करके उसको एक्सट्रूड कर देगा और हमारा ये प्रोफाइल को कंप्लीट कर देगा। ये देखिएगा तो हमारा ये प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है और ये प्लेन का काम कंप्लीट हो गया, तो इसे मैंने हाइड कर लिया। अब एक प्रोफाइल और रह गया क्या, तो ये टॉप का, तो देखिएगा ये प्रोफाइल जो हम लोग कंसीडर करेंगे तो यहाँ देखिएगा ये जो हाइट है यहाँ पे, देखिएगा फ्रंट में ये हाइट गिवन है आपका, यहाँ से ये 35 पे डिफाइन किया हुआ, और सेम जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया था सेम वैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे, और ये भी हमारा थ्रू कट नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया होता। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसका डायमीटर 10 और 20 का होगा, और उसे यहाँ तक डिफाइन कर देंगे, और अगेन 35 तक है तो प्लेन में जा रहा हूँ, और इस केस में हम लोग टॉप प्लेन को लेंगे, और यहाँ पर डिस्टेंस 35 का है, चलिए ओके, क्योंकि 35 पे डिफाइन ही करना है, और इजीली मैंने यहाँ पे दो सर्कल, फर्स्ट सर्कल और सेकेंड, और यहाँ पे जो गिवन है आपका 20 और 10 का, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सट्रूड में रिवर्स डायरेक्शन कर लेना है यहाँ से, और इसे अप टू नेक्स्ट कर देना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगेन इसे भी हम लोग क्या कर लेंगे, हाइड कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स, ये हमारा मेन बॉडी हुआ, इसमें ये बॉडी को हमने मेन बॉडी लिया, और बाकी सारे फीचर्स क्या है हमारे बॉडी के, ये फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स को मैंने ये यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसे मिरर करना है। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा ये रिबॉन है, इस रिबॉन में यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 3D मिरर का, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ मिरर, तो यहाँ पे हम लोग मिरर में चले जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मुझे प्लेन को डिफाइन करना है, तो जो प्लेन हम लोग लेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, देखिएगा जो हमारा प्लेन होगा वो फ्रंट प्लेन होगा, क्योंकि जब मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगा तो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे आपका ये प्रोफाइल आकर यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फीचर्स का, क्योंकि हमारा ये मेन बॉडी है, ये हमारा उसका फीचर्स है, तो यहाँ फीचर्स में किसको लेना है, तो देखिएगा यहाँ पे जो हमारे थर्ड एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड बॉस, एक्सट्रूड थर्ड, देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया वो अपने पोजीशन पे जाके डिफाइन हो गया, और नेक्स्ट जो है हमारा बॉस एक्सट्रूड 4, ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने कर दिया ओके। देखिएगा तो कितना स्मूथली ये प्रोफाइल हमने डिफाइन कर दिया है, और कितना ये स्ट्रांग फीचर्स है हमारा 3D मिरर का, कि इजिली हमने क्या कर दिया, इसको इस डायरेक्शन में डिफाइन कर दिया। एक लास्ट हमारा ऑप्शन रह गया, वो क्या है, तो ये मटेरियल कट करने का। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच में जाएंगे और इस फेस को सेलेक्ट करके ये जो डाया है इनर का, वो डाया कहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ दिखेगा ये, सॉरी ये 30 हमारा इसका दिया हुआ है, इसका डाया कितना है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा फ्रंट से, तो ये 30 है, ये भी हमारा सेम है 30 का, तो यहाँ से मैंने इसे 30 डिफाइन कर दिया। और इसे कहाँ तक कट करेंगे, इसे हम लोग 100 तक का ये कट डिफाइन कर देंगे। देखिएगा ये मैंने पूरा का पूरा 100, ताकि दोनों का दोनों हमारा होल डिफाइन हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोफाइल, देखिएगा। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है आप लोगों को क्लियर होगा।